नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Google Drive से फोटो को परमानेंटली कैसे डिलीट करते हैं। दोस्तों, Google Drive पे हमें अपने फोटो को बैकअप लेने के लिए 15 GB का स्टोरेज मिलता है। अगर आपका बैकअप फुल हो जाता है तो आप अपना फोटो को डिलीट करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि Google Drive पे जो भी फोटो है उसे हम परमानेंटली डिलीट करें, तो इसके लिए ओपन करते हैं इस गूगल ड्राइव को। अब दोस्तों, गूगल ड्राइव ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आते हैं हम इस होम वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे हमें कोई भी डिलीट का ऑप्शन यहाँ से नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे इस तीन बिंदु पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी हमें कोई डिलीट वाला ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसे डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा इस फोल्डर वाले आइकॉन पर। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आप जो भी फोटो यहाँ से सेव किए रहते हैं फोल्डर वाइज आपका फोटो दिख जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं दो फोल्डर बना के रखा हूँ फोटो, एक ये बिना फोल्डर वाला है और एक ये मैं फोल्डर में फोटो यहाँ पे कुछ रखा हूँ। तो इस फोटो पे डिलीट करने के लिए यहाँ पे हम लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको डिलीट वाला ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से हम इसे डिलीट कर देते हैं। मगर दोस्तों, ये फोटो अभी डिलीट नहीं हुआ है और एक बिन नाम के फोल्डर में जाके सेव हो जाता है। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूं कि वहां से भी आपको कैसे डिलीट करना है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर हमें इस फाइल को डिलीट करना है तो फिर हम कैसे डिलीट करेंगे। अगर इस फाइल की सारी फोटो को डिलीट करना है तो यहां पे इस फाइल पे हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहां पे हमें डिलीट वाला ऑप्शन मिल जाता है। मगर हम चाहते हैं कि इस फाइल की सभी फोटो डिलीट ना हो, केवल कुछ ही फोटो डिलीट हो, तो यहाँ पर हम इस तरह से फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डिलीट वाले आइकॉन पे हम क्लिक करके यहाँ से इस फोटो को डिलीट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, अभी भी हमारी ये फोटो परमानेंटली डिलीट नहीं हुई है, तो परमानेंटली इसे डिलीट करने के लिए यहाँ से हम आते हैं बैक, और बैक आ जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है बिन का, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा बिन पे। तो दोस्तों, जो भी हम फोटो डिलीट किए थे वो यहाँ पे आके सेव हो जाता है। तो इसे डिलीट करने के लिए हम इस फोटो पे लॉन्ग प्रेस करते हैं इस तरह से, और यहाँ से हम सभी फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको इस तीन लाइन पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, री स्टोर और डिलीट, और डिलीट फॉर ईवर। अगर आप इसे दोबारा री स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, लेकिन अगर आप इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये फोटो को फिर हमें कभी काम नहीं है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा डिलीट फॉर ईवर। इसके बाद आपको फिर से क्लिक करना होगा डिलीट फॉर ईवर पे, और यहाँ से आपकी ये फोटो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके काम की है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।